कैसे हैं आप सब। होपफुल यू आर ऑल वेरी वेल और आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अच्छी अर्निंग कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं वो टाइम टू टाइम आप तक पहुँचती रहे और आप ऐसे ही अर्निंग करते रहें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा ट्रिक लेकर आ रहा हूँ जिसको उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट भी किए थे कि आप सर हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे हमारा रिकैप्चा जो है हमें फिल आउट ना करना पड़े, ये ऑटोमेटिक जो है हम इसको रिफिल कर लें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने वो ट्रिक लेकर आ चुका हूँ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ऑटो रिकैप्चा कैसे फिल आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को टिल एंड तक देखते रहिए। इसी के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप रिकैप्चा जो है वो फिल कर सकते हैं ऑटोमेटिक। तो चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, तो मैं आपको लेकर आ चुका हूँ अपने गूगल स्क्रीन के ऊपर और आपने जस्ट गूगल स्क्रीन पर टाइप करना है क्रोम बस्टर कैप्चा। ये क्रोम बस्टर कैप्चा आपने लिखकर एंटर कर देना है और जो पहला लिंक होगा इस पर आपने क्लिक कर देना है। देखें, आप नीचे लिखा हुआ है chrome.google.com। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास ये क्रोम वेब स्टोर का पेज जो है वो ओपन हो जाता है। और जैसे ही ये ओपन हो जाता है आपने जस्ट ऐड टू क्रोम के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड टू क्रोम के बटन पर क्लिक करते हैं ये एक्सटेंशन आपके सामने आ जाती है और आपने ऐड एक्सटेंशन के बटन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप ऐड एक्सटेंशन के बटन पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक जो है आपके सिस्टम के अंदर रिडायरेक्ट होकर ऐड हो चुका है। अब आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की ऑप्शन इसके अंदर आएगी। अब हमको देखना ये है क्या ये वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलें फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ अभी रिसेंटली एक वेबसाइट शेयर की थी बिगबीटीसी और उसी की वेबसाइट के अंदर मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ रिकैप्चा को आपको दिखाने के लिए कि ये वर्किंग करता है या नहीं। तो जी फ्रेंड्स, मैं आपको उस साइट के अंदर ले आया हूँ और यहाँ पे क्लेम 13 सतोशी डेली बोनस नंबर 2 है, इसको मैं फिल करके आपको दिखाने वाला हूँ। आपने जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है और क्लेम योर डेली बोनस पर क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं मेरे पास बीटीसी का जो है वो कैप्चा ओपन हो गया है। इसके अंदर जो है मेरे पास कैप्चा रिकैप्चा की जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है। तो मुझे रिकैप्चा के लिए आपको एक डिफरेंट साइट की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। तो जी फ्रेंड्स, मैं आपको लेकर आया हूँ सतोशी लैब्स की तरफ और इसका वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा और इसका साइन अप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करके इसमें रजिस्टर हो सकते हो। मज़ीद इस साइट से रिलेटेड जितनी भी वीडियो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, इसकी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको कैसे वर्कआउट करना है। तो चलें फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले मैं अपने पेज को रिफ्रेश करना चाहूँगा। जैसे ही मैंने पेज रिफ्रेश किया आप देख सकते हैं मैंने आई एम नॉट ए रोबोट के बटन पर क्लिक किया और मेरे सामने एक पेज ओपन हो गया। यहाँ पर एक पर्सन आइकन बना हुआ है जिस पर लिखा हुआ है सॉल्व दी चैलेंज। मैंने इस पर क्लिक कर दिया और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया आप देखें कि मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ रहा। इसने दोबारा से एक एरर दिया है, मैं दोबारा से उस पर्सन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। आप देख सकते हो ऑटोमेटिक गुड लग गया है और ये आपकी इस साइट के ऊपर आपको बैन भी नहीं करेगा। आप इसे जितना मर्जी रिकैप्चा भी सॉल्व करें आप बैन नहीं होंगे। सबमिट कैप्चा के बटन पर मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं ये साइट दो बार रिकैप्चा पूछती है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपका ये वाला बटन काम नहीं कर रहा तो आपको अपना कैप्चा फिल कैसे करना है। आपको तो कैप्चा नज़र नहीं आ रहा तो आपको जस्ट ये आई के बटन पर क्लिक कर देना है तो आपको आपका कैप्चा शो हो जाएगा कि अभी आपका क्या कैप्चा है। तो आपको अब अपना कैप्चा मैनुअली फिल करके वेरीफाई कर देना है। मुझे मैनुअल क्यों फिल करना है, मुझे तो ऑटोमेटिक फिल करना है। तो मैं जैसे इस पर्सन के बटन पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही आपने देखा कि मैंने पर्सन के बटन पर क्लिक किया ऑटोमेटिक वर्किंग करके मुझे बता रहा है कि आपने कैप्चा जो है वो फिल कर लिया।
है, तो मैंने गेट रिवार्ड के बटन क्लिक कर दिया और आप देख सकते हो मैंने रिसीव कर लिया है 5 लैप्स बैक। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा, और अगर आप फॉसेट कलेक्टर्स यानी कि फॉसेट कलेक्टर्स हैं, फॉसेट्स वेबसाइट पर काम करने वाले, तो आपके लिए ये एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी ये आपका काम इतना आसान कर देता है, आप इससे इतनी जल्दी और इतनी फास्ट रनिंग कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मज़ीद हमारी अगर वीडियो आपको लाइक लगी है या आपको कोई और किसी भी आइडिया से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में अपना ओपिनियन आप दे सकते हैं, उस पर मैं जल्दी वर्किंग करके आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँगा। थैंक यू।